हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नैकोपीडिया। जैसे कि श्रावण महीना शुरू हो चुका है और हम अक्सर व्रत उपवास करते हैं और सोचते हैं फरार में क्या नया बनाएं, तो चलो बनाते हैं एकदम यूनिक व्रत की थाली। इस थाली के सारे कंपोनेंट्स एकदम यूनिक हैं, इन्हें खा के आपको लगेगा ही नहीं कि आप फरार खा रहे हैं। तो चलो करते हैं शुरू व्रत की थाली बनाना। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आपको व्रत के लिए नई और टेस्टी रेसिपी सीखने मिलेगी। फराली फज बनाने के लिए एक पैन में घी गरम करेंगे। फज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो आटे लिए हैं, राजगरा का आटा और सिंगोड़े का आटा। यहाँ पे मैंने दोनों आटे 1/4 कप लिए हैं। घी गरम हो गया है, इसमें आटे ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से भूनेंगे। इसे हमें मीडियम टू लो हीट पे ही भूनना है। इससे भूनने में हमें 7 से 8 मिनट लगेंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून मूंगफली का दरदरा पाउडर डालेंगे और इसे भी भूनेंगे। मैंने यहाँ पे कच्ची मूंगफली का ही यूज किया है, उसे सिर्फ 1 मिनट रोस्ट करके छिलके निकाल के और उसका पाउडर कर दिया। हमें पाउडर को दरदरा रखना है। इससे भूनते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो गई है, इसका कलर अभी चेंज होना शुरू हो गया है। ये स्टेज पे हम इसमें थोड़ी किशमिश ऐड करेंगे और इसे भी इसके साथ भूनेंगे। हमारा आटा भून कर तैयार है। ये देखिए बिल्कुल हल्का हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये आटा भून के तैयार हो गया है। अभी गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसमें पीसी हुई चीनी डालेंगे और इलायची का पाउडर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे ग्रीस की हुई ट्रे में डालेंगे। इस तरह से हमने ट्रे में डाल दिया है। इसके ऊपर अखरोट के टुकड़े डालेंगे और इसे 1 से 2 घंटे तक ठंडा करने के लिए रखेंगे और हल्का सा दबाएंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां भी डाल सकते हैं। फरारी मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, जिसके लिए एक पैन में थोड़ा तेल गरम करेंगे और उसमें साबित गरम मसाले डालेंगे और भून लेंगे। इन्हें हल्का भूनने के बाद इसमें टमाटर के पीस डालेंगे और छोटा एक दूधी का पीस डालेंगे। इसमें थोड़ा व्रत वाला नमक डालेंगे और लो फ्लेम पे इसे ढक के पकाएंगे। इसे हमें टमाटो सॉफ्ट हो तब तक पकाना है। इसे पकने में 1 से 2 मिनट लगेगी। 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। टमेटो ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गए हैं। गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। जब तक हमारा मिक्सचर ठंडा हो तब तक हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसमें थोड़ा नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने व्रत वाला नमक लिया है। थोड़ा आरारोट लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में थोड़े काजू और किशमिश लिए हैं, जिसके अंदर हम थोड़ी घर की फ्रेश मलाई डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के मिक्स करेंगे। आप स्टफिंग को अपने अनुसार बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े क्वांटिटी में ही बनाई है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाए उस हिसाब से स्टफिंग को बनाए। हमारी स्टफिंग रेडी है, अभी हम इसमें से कोफ्ते बना लेंगे। हाथों को थोड़ा तेल से ग्रीस करके आलू वाला मिक्सचर लेंगे और इस पे स्टफिंग को फिल करेंगे और इसे बराबर सील करेंगे। इस प्रकार से सभी कोफ्तों को तैयार करेंगे। हमने इस प्रकार से अपने सभी कोफ्तों को तैयार कर लिया है। आलू में आरारोट बराबर से डालें, जैसे कि ये फ्राई होने के टाइम पे खुले नहीं। अभी हम अपने कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। कोफ्तों को फ्राई करने से पहले उसे आरारोट में कोट कर लें। आइए अभी इसे फ्राई कर लेते हैं।
हमें कोफ्तों को ऐसा गोल्डन ब्राउन तलने का है। आइए अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। एक पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें कटी हुई हरी मिर्च को ऐड करेंगे। तैयार की हुई ग्रेवी ऐड करेंगे, थोड़ा लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमने पहले ग्रेवी बनाते समय भी डाला था। यहाँ पे मैंने एक व्हाइट पेस्ट बनाई है जिसके लिए मैंने काजू और खसखस को आधे घंटे तक पानी में भिगो के रखा था और उसे थोड़ा दूध डाल के पेस्ट बना लिया है। थोड़ी हल्दी डालेंगे, अगर आप धनिया खाते हो तो इसमें थोड़ा धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे, थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे, अगर आप नहीं खाते हो तो नहीं डाल सकते हैं आप। थोड़ी मलाई डालेंगे, इसमें से थोड़ा तेल छूटने लगे तब हम इसमें पानी डालेंगे। अभी इसे ढककर हमें लो फ्लेम पे पकाना है 3 से 4 मिनट तक। दो से तीन मिनट के बाद इसे चेक कर लेते हैं। देखिए कैसे तेल छूटने लगा है। हमारे ग्रेवी तैयार है, आइए अभी इसे कोफ्तों के साथ सर्व कर लेते हैं। आज हम फराल में खाने वाली आलू की सब्जी बनाएंगे। काफी लोग टमाटो, हरी मिर्च, हरा धनिया नहीं खाते हैं, इसलिए हम टमाटो हरी मिर्च के बिना ही आलू की सब्जी बनाएंगे। जिसके लिए मैंने एक पैन में तेल गरम किया है और उसमें थोड़ा जीरा ऐड करेंगे। जीरा क्रैकर हो फिर हम इसमें कड़ी पत्ते डालेंगे। आधा टीस्पून जितना फरारी आटा डालेंगे, आप कोई भी फरारी आटा डाल सकते हैं। हल्का सा भून जाए फिर इसमें कटे हुए आलू के पीसेस डालेंगे। यहाँ पे मैंने बॉयल आलू लिए हैं। तली हुई मूंगफली के दाने, काली मिर्ची का पाउडर, व्रत वाला नमक और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें आलूओं को इस तरह से पकाना है कि थोड़े रोस्ट हो जाए। अभी हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसे ढककर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट हो गई है, चेक कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से सेट करें। अगर आपको ग्रेवी वाला पसंद है तो इसमें पानी ऐड करें। गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे, इसमें थोड़ा नींबू का रस डालेंगे, मिक्स करेंगे और सर्व कर लेंगे। फराली पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 कप जितना राजगरा का आटा लिया है। थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा तेल डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा बॉयल किया हुआ आलू डालेंगे और इससे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी पानी से इसका आटा गूंद लेंगे, थोड़ा तेल डाल के इसलिए बराबर मस लेंगे और 5 से 10 मिनट तक इसे रेस्ट देंगे। 10 मिनट जितनी हो गई है, आइए चेक कर लेते हैं कि हमारा आटा रेडी है कि नहीं। अभी हम इसमें से पराठे बना लेते हैं। इसे इस प्रकार से बेलेंगे, बीच में थोड़ा तेल अप्लाई करके ऐसे ट्रायंगल में इसको फोल्ड करेंगे। सूखे आटे में कोट करके इसे फिर से बेलेंगे। मैंने इसे ट्रायंगल शेप में बेला है, आप अपने मन अनुसार कोई भी शेप में बेल सकते हैं। इसे थोड़ा मोटा ही रखें, कुछ इस प्रकार से बेल लेंगे। आइए अभी इसे सेक लेते हैं। हमारा तवा गर्म हो गया है, अभी हम पराठों को सेक लेंगे। हल्का सा सुनहरा रंग आ जाए थोड़ा तेल लगाएंगे।
आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं। इसी प्रकार से सभी पराठों को हम सेक लेंगे। साबूदाना चाट बनाने के लिए एक पैन में एक टेबलस्पून जितना तेल गरम करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितने साबूदाने लिए थे और 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो के 3 से 4 घंटे तक भिगो के रखे थे। हमारा तेल गरम हो गया है। अभी हम इसमें 1/4 टीस्पून जितना लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला डालेंगे, हल्का सा भूनेंगे। अभी हम इसमें साबूदाने डालेंगे, गैस की फ्लेम लो करेंगे, 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप बॉईल किए हुए आलू के पीसेस डालेंगे और इन्हें भी रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और इन्हें भी 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट तक रोस्ट करने के बाद गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। साबूदाने का मिक्सचर ठंडा हो गया है। अभी हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। अभी हम इसमें फरार वाली हरी चटनी डालेंगे, मीठी चटनी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें तले हुए मूंगफली के दाने डालेंगे, थोड़े अनार के दाने डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। अगर आप व्रत में नहीं खाते हो हरा धनिया तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। ये स्टेज पे आप चटनी कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। इसे एक बार टेस्ट कर लें। इसमें 1/4 कप से आधा कप जितना फरारी चेवड़ा डालेंगे और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इसे सर्व कर लेंगे।